नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस परेशानी के बारे में बात करने वाले हैं उसका आप में से ज्यादातर लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा। आज हम बात करने वाले हैं गुल्म रोग के बारे में। इस परेशानी से हम लोग अक्सर कभी ना कभी प्रभावित अवश्य होते हैं। आयुर्वेद में इस परेशानी के निदान के लिए काफी चिकित्सा बताई गई है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो इसकी जो पहली परिभाषा वो क्या होगी, पेट का एक रोग जिसमें उसके भीतर एक गोला सा बंध जाता है उसे हम गुल्म रोग कहते हैं। वहीं इसकी जो दूसरी परिभाषा वो क्या होगी, पेट के अंदर वायु के गोला या गुच्छा सा बन जाना ही आपका जो है गुल्म रोग कहलाता है। आइए तो गुल्म रोग के अन्य नाम जानते हैं। तो देखिए, इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें सबसे पहला नाम होता है आपका वायु का गोला, दूसरा जो नाम है वायु का गुच्छा, और तीसरा जो नाम है पेट की गांठ। तो देखिए, इसके तीन प्रमुख नाम होते हैं जिनसे हम इसको जानते हैं। आइए तो ये जानते हैं कि गुल्म रोग क्या होता है। तो देखिए, गुल्म शब्द का अर्थ है गुच्छा या गोलाकार पदार्थ जो एक प्रकार की गांठ के समान दिखाई दे। जब यही गांठ आपके पेट के अंदर बन जाती है तो इसे गुल्म रोग कहते हैं। आधुनिक भाषा में इसे ट्यूमर भी कहते हैं। हमारे शरीर में वायु जो है गुल्म रोग के प्रमुख कारण होती है, अर्थात जब प्रकोपित वायु अपने साथ पित्त और कफ को भी एक स्थान पर इकट्ठा करके एक गोला सा बना लेती है तो उसे ही हम गुल्म रोग कहते हैं। आइए तो अभी जानते हैं कि इसका जो है स्थान कहाँ होता है। तो देखिए, इसका स्थान हमारे शरीर में आपके जो हृदय होता है उससे और नाभि के बीच में जो आपका ये स्थान होता है बीच का, ये जो है आपके गुल्म रोग का स्थान होता है। आइए तो अब गुल्म रोग के कारण जानते हैं। तो देखिए, इसके कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण क्या होता है, ज़्यादा देर तक भूखा रहना। दूसरा कारण क्या होता है, कब्ज की शिकायत। तीसरा कारण क्या होता है, अधिक मात्रा में बासी भोजन करना। चौथा कारण आपका क्या होता है, मल मूत्र के वेग को रोकने की कोशिश करना। और पांचवा कारण क्या होता है, मल कफ पित्त की अधिक वृद्धि के कारण। तो इसके पांच प्रमुख कारण होते हैं। आइए तो गुल्म रोग के लक्षण जानते हैं। तो देखिए, इसके कई लक्षण होते हैं, जिसमें सबसे पहला लक्षण क्या होता है, खट्टी डकार आना। दूसरा लक्षण क्या होता है, पेट ढंग से साफ नहीं होना। तीसरा लक्षण क्या होता है, शारीरिक शक्ति की कमी। चौथा लक्षण क्या होता है, पेट में भारीपन महसूस होना। पांचवा लक्षण क्या होता है, पेट में वायु भरी हुई है ऐसा महसूस होना। और आपका छठा लक्षण क्या होता है, आपका जो भोजन है वो ढंग से नहीं पचना या अपच की शिकायत होना। तो ये इसके छह प्रमुख लक्षण आपके होते हैं। आइए तो गुल्म रोग के घरेलू उपचार जानते हैं। तो देखिए, इसके कई घरेलू उपचार होते हैं जिनसे कि आप इस परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, हरड़। आपको क्या करना है, हरड़ के चूर्ण में गुड़ मिलाकर दूध के साथ सेवन करना है, आपको आराम मिल जाएगा। दूसरा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, आपका सौंठ। आपको क्या करना है, 40 ग्राम सौंठ, 160 ग्राम सफेद तिल और 80 ग्राम पुराना गुड़ लेना है, तीनों को पीसना है और फिर मिलाकर इनका सेवन करना है, ऊपर से आपको गर्म दूध पी लेना है, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तीसरा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, एरंड। आपको क्या करना है, 2 चम्मच एरंड के तेल को गर्म दूध के साथ मिलाकर सेवन करना है, आपको आराम मिल जाएगा। चौथा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, सांठी। आपको क्या करना है, सांठी की जड़ को काली मिर्च के साथ मिलाकर पीस लेना है और फिर इसका जो है घी के साथ आपको सेवन करना है, आपको जो है आराम मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो पांचवा घरेलू उपचार है वो क्या है, सज्जी खार। आपको क्या करना है, सज्जी खार, जवा क्षार और केवड़ा तीनों को मिलाकर एक चूर्ण बना लेना है और इसको जो है आपको एरंड के तेल के साथ सेवन करना है, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो इन उपायों को करके आप अपने गुल्म रोग की परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आइए तो अब गुल्म रोग की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में इसके लिए काफ़ी दवाएं आती हैं, जिसमें सबसे पहली जो आपकी दवा वो क्या है, कर्ब्याद रस। ये जो है आपकी इस परेशानी के लिए काफ़ी एक उपयोगी दवा है। इसको जो है आप नींबू के रस या काले नमक के साथ सुबह शाम सेवन करेंगे तो आपको आपकी परेशानी में आराम मिल जाएगा। दूसरी जो आपकी इसमें दवा आती है, हिंगवादी बटी। इसको जो है आप सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तीसरी जो इसमें आपकी दवाई आती है वो आती है शंखवटी।
देखिए ये जो है आपके पेट के समस्त रोगों के लिए काफी एक उपयोगी दवा होती है। इसको जो है आप या तो मुंह में रख के चूस सकते हैं या फिर आप इसको जल के साथ सेवन कर सकते हैं, आपको काफी आराम मिलेगा। इसके बाद आपकी जो चौथी दवाई आती है आपकी कंकायन बटी गुल्म, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। ऐसा होता है कंकायन बटी दो प्रकार की आती है, एक आती है गुल्म और एक आती है अर्श। गुल्म जो आती है वो गुल्म रोग के लिए आती है, अर्श जो आती है आपके पाइल्स की परेशानी के लिए आती है। तो आप कंकायन बटी गुल्म को लीजिए और उसका सुबह शाम सेवन करिए, आपको काफी आराम मिलेगा। इसके बाद आपकी जो पांचवी दवा आती है सिंह नादी गूगल, ये जो है आपके इस परेशानी में काफी उपयोगी साबित होती है। इसको भी अगर आप सुबह शाम सेवन करेंगे तो आपकी परेशानी में आपको काफी आराम मिलेगा। तो ये कुछ दवाएं हैं जिनका प्रयोग करके अपनी इस परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आज हमने आपको गुल्म रोग की जानकारी दी, आपकी जानकारी कैसी लगी आप ही हमें अवश्य बताएं। आपकी कोई परेशानी हो, आपकी कोई बीमारी हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो वो भी आप हमें अवश्य बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आप आगे भी ऐसी सरल शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी ऐसी वीडियो लाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।